देखिए, अब हम लोग जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। एक एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा और किस तरह से इसको सेट करते हैं और कैसे यूज करते हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। तो देखो, पहले आपको प्रोसीजर वाइज चलते हैं। पहले आपको क्या रहेगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एक आपको मिलेगा ड्रॉइंग बोर्ड, ठीक है, जो कि आपको ये दिख रहा है, ये आपका ड्रॉइंग बोर्ड है। इसके ऊपर क्या रखोगे? सीट रखोगे, क्लियर। जैसे ही सीट रखोगे तो इस सीट को फिक्स करने के लिए क्लैंप के थ्रू, ये देखिए, ये आपको कॉर्नर पे यहां पे भी कॉर्नर पे क्लैंप लगा हुआ है। इस क्लैंप के थ्रू इस सीट को हमें फिक्स करना है, ठीक है। ये है देखिए आपका मिनी ड्राफ्टर, ठीक है, ये है आपका मिनी ड्राफ्टर। अगर आप मिनी ड्राफ्टर का यूज जान लिए तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट को ये अकेले कर सकता है, मतलब बोल सकते हो ये मास्टर है, इन सब का मास्टर है ये अकेला, ठीक है। तो देखिए मिनी ड्राफ्टर को कैसे यूज करते हैं। ये देखिए, ये नॉब है, इसको नॉब को खोलना है और इसके राइट साइड के अपर कॉर्नर पे, राइट लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर पे यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मिला के एकदम बराबर की ओर और इस नॉब के थ्रू इसको क्या कर देना है, यहाँ पे फिक्स कर देना है, ठीक। मिनी ड्राफ्टर को यहाँ पे फिक्स कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये मिनी ड्राफ्टर हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखिए, ये है आपका सेट स्क्वायर है, ठीक है, दो सेट स्क्वायर है। ये 45-45 का सेट स्क्वायर है, ये आपका 30 और 60 का सेट स्क्वायर है। अब देखिए इस सेट स्क्वायर के अंदर फ्रेंच कर्व दिया हुआ है, दो फ्रेंच कर्व, कहीं भी आपको 3 पॉइंट कर्व बनाना हो तो इसके हेल्प से आप बना सकते हो, क्लियर। ये है आपका देखिए मास्टर सर्कल, ये है आपका मास्टर सर्कल कि आपको जितना भी अगर चाहिए, देखिए कि ये सब इंस्ट्रूमेंट इसलिए रहता है कि आप जितना से जल्दी आप डायग्राम बनाओ। तो देखो, अगर आप इसके भी हेल्प से सर्कल बना सकते थे, लेकिन मान लीजिए एकदम छोटा छोटा सा सर्कल बनाना है तो ये कहां तक आपको जाएगा, बस इतना ही जा सकता है, इससे तो कम नहीं होगा। लेकिन देखो, इससे भी छोटे सर्कल होते हैं मास्टर सर्कल में। तो आपको देखो, इन सारे सर्कल पे आपको देखिए डायमेंशनिंग दिख रही है। तो देखो, सबसे बड़ा वाला कौन है? 25। आज जितने भी डायमेंशन है सब एमएम में दिए गए हैं, क्लियर। तो देखिए ये 25 का सर्कल है, ये है आपका, ये है आपका 24, कितना है ये देखिए, ये 25 27.5, ये है आपका 29 और ये 31। तो देखो ये सबसे बड़ा है आपका, ये आपका 31 का सबसे बड़ा, और धीरे धीरे इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, ठीक है। और देखो सबसे कम 2 mm का सर्कल बना सकते हो, यहाँ पे 2 mm का सर्कल बना सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, सर्कल कैसे बनाते हैं, मान लीजिए हमें सर्कल बनाना है कोई भी एकदम छोटा सा, तो ऐसे रखना है, ऐसे गोल गोल घूम जाना है, ठीक। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल बन गया। तो मतलब एक छोटा से छोटा सर्कल आप इसके हेल्प से बना सकते हो। अब रहता है प्रॉब्लम कि हम किस तरीके से सेंटर डिसाइड करें। मान लीजिए ये हमें है, तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि किस तरीके से सेंटर बनाना है। मान लीजिए कि ये आपका एक लाइन है, ठीक। पहले अब समझते हैं, पहले ये बताता हूँ अलग अलग करके, जब ड्रॉ करेंगे तो इसको बताएंगे। देखिए ये सेट स्क्वायर, इतना सारा चीज़ आपको चाहिए, ये है आपका रोलर स्केल, क्लियर। तो रोलर स्केल क्या होता है, इस तरीके से मूव होता है, क्लियर। देखो अगर आपके पास मिनी ड्राफ्टर है तो ये रोलर स्केल का भी अभी काम कर लेगा। देखो इस तरीके से ये रोल होते जाएगा, आपको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये है आपका कंपास, कंपास में आपको क्या कर लेना है कि एक पहले से ही पेंसिल लगा के रख लेना है टाइम सेविंग के लिए, ठीक है। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, ये स्केल है, क्लियर। तो चलो पहले हम एक एक करके इनका, कि जैसे ही एग्ज़ाम में जाएं तो पहला काम हमें क्या करना है। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो पहले आपको सीट मिलेगा, ठीक है, सीट को फिक्स कर देना है क्लैंप के थ्रू ड्रॉइंग बोर्ड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इस पर हमें मार्जिन देनी होती है, क्या देना होता है, मार्जिन। तो आपको पता होगा इंस्ट्रूमेंट में, हम लोग बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्रॉइंग में पढ़े थे कि आपका जो लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है इधर 30 mm मार्जिन देते हैं, इस साइड 20 mm, इधर बाकी जो 3 साइड है 20 mm, इधर आपको 30 mm। तो यहाँ पर आना है, यहाँ से पहले क्या कर लो कि यहाँ पर मेजर कर लेते हैं। देखो पहले देखो दो, इसको सेट करना है हमें 0 पे, यानी कि नहीं भी जाए एकदम ऐसे मूव करे। तो आप देखिए यहाँ पे एक कट मार्क लगा हुआ है, इसको आपको 0 पे रखना है, या फिर दूसरा तरीका आप इसको पकड़ो, कहीं से भी एक पकड़ लो, ये मान लीजिए आपका मिला लेते हैं कि एकदम सीधा आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन जा रहा होगा, मतलब कहने का है कि ये कोई लाइन है,
ठीक है ना, हमें इस पे चाहिए एकदम सीधा, तो देखो इस पे मिला दो सीधा एकदम इस तरीके से, ठीक, और इसको सेट कर लो तो ये चला जाएगा एकदम जीरो पे, ठीक। या फिर दूसरा तरीका, इसके कॉर्नर से कॉर्नर इस तरीके से यहाँ मिला लो, यहाँ पे मिलाकर सीधा रखते हुए, ठीक, इसको सेट कर लो, इसको फिक्स कर दो, तो ये जीरो डिग्री पर एकदम बिल्कुल सेट हो गया। देखिए अब ये कहीं भी मूवमेंट होगा तो बिल्कुल ऐसे ही आपको लाइन देते हुए जाएगा, ठीक है, इस तरीके से लाइन देते हुए मूव करेगा कहीं भी, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजेंटल, क्लियर। अब देखिए ये हो गया, तो अब मार्जिन देते हैं हम। चलिए फर्स्ट यहाँ से 30 mm है यहाँ से, तो 30 mm ये आ गया, दो तीन पॉइंट दे दो 30 mm का, यहाँ पे 30 mm आ गया, ठीक है, इस तरीके से 30 mm देके क्या कर लेना है, आपके पास स्केल है, चलो इधर हमने 30 mm दे दिया, इस साइड 30 30 30, ठीक है। चलिए अब इसको क्या कर दो, इसी से मिला देता हूँ, यहाँ से 30 मेजर करिए, ये 30 हुआ, आगे जाओगे ये 30 हुआ, ठीक, मिलाइए, मार्जिन देना है पहले, ठीक है। इधर आपको 20 देना है, तो ये ऑलरेडी सेट है, बस दो तीन पॉइंट ले लो, ये 20 हो गया, आगे बढ़ लो एक और 20 ले लो, इधर पॉइंट देते जाओ 20 का, ये सब जगह 20 पे देते जाएगा, ठीक है, मेजर नहीं करना है, बस देखो अब क्या करना है, इससे इससे इसको मिला दो, ये स्केल ऑलरेडी दिख रहा होगा आपको, पहले मार्जिन देते हुए, ठीक है, इधर भी आपको 20 mm का मार्जिन देना है, देखो मैं ये है इससे मेजर कर ले रहा हूँ डायरेक्ट 20 mm, यहाँ से जाओ 20 mm पे रखिए, आगे बढ़ जाइए इस तरीके से 20 mm, ठीक है, इधर भी मान लीजिए क्लैंप थोड़ा सा ये हो जाएगा, पहले आपको मार्जिन दे लेना है। अब मार्जिन के बाद आपको करना है ये रहा मार्जिन, ठीक है, सारे साइड में आप मार्जिन दे लोगे, इधर 30 mm, बाकी साइड पे 20 mm, ठीक है, इधर भी दे ही देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए 20, बहुत ईजी है, बस इसको आप मूव कराना सीख लो, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे बनाना है टाइटल बॉक्स, इस कॉर्नर पे बनाना है टाइटल बॉक्स। तो देखो जब आपको पढ़ा रहा था तो टाइटल बॉक्स तीन टाइप को आपको बताया गया था, ठीक है, टाइटल बॉक्स तीन टाइप के टाइटल बॉक्स बनाए गए थे, देखो टाइटल ब्लॉक 1, टाइटल ब्लॉक 2 और ये टाइटल ब्लॉक 3, तीनों में से आप कोई भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं पहला वाला पहले टाइटल ब्लॉक बनाऊंगा, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आपको बनाना है टाइटल ब्लॉक, ठीक है। तो देखिए टाइटल ब्लॉक क्या होता है, 185 और इधर से है आपका 65, तो यहां से इस कॉर्नर से मेजर कीजिए 185, देखिए तो कितना 185, कहने का मतलब 18.5 mm, ठीक है, और इधर से गया 65, ये हुआ, देखो पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, ये जीरो पे सेट है, देखो 90 पे देते जाएगा आराम से, ठीक है ना, बन गया बॉक्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 15 mm छोड़ना है, फिर 10 mm है, 10 mm 10 mm, ठीक, तो यहाँ से मेजर कर लो पहले, यहाँ से 15 mm, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रखे 15, एकदम सीधा लाइन आ गया, फिर 10, यहाँ आ जाओ 10, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से 10, ठीक है
टेन 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 हो गया, टेन टेन एक और टेन, ठीक है। उसके बाद आपका बच गया 20, देखिए बच गया आपका 20, क्लियर। उसके बाद क्या करना है कि देखिए हाफ पे, हाफ यानी कि 19.5 पे, ये हुआ 92.5 पे, तो 92.5 यहाँ पे मिलाते हुए इन तीनों लाइन को मिला देना है। तो इन तीनों लाइन को हमने यहाँ से सीधा ऐसे मिला दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 35 पे एक लाइन ले लेना है, तो यहाँ से मेजर कीजिए, ये रहा 35, यहाँ से इसको सीधा ऐसे मिला दो, ठीक। उसके बाद इधर 65 पे, ये रहा 65, यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिए, ठीक। उसके बाद बस, तो देखिए ये बन गया आपका टाइटल ब्लॉक। अब इसी के अंदर आपको सब फिल करना है, ठीक है। तो देखिए टाइटल ब्लॉक में पहला जो रहता है, यहाँ पे हम लोग कॉलेज का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, तो यहाँ पे लिखोगे, शॉर्ट में लिख लेना, जी सब कैपिटल में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ठीक है, जहाँ का भी होगा, ठीक है ना, जहाँ का भी होगा। मान लीजिए हमने बोल दिया पटना, ठीक। उसके बाद इसमें क्या भरते हैं हम लोग, नेम डालते हैं, नेम। तो यहाँ पहले नेम लिखना है, एन ए एम सब कैपिटल में ई, नेम। नेम मान लीजिए डाल देते हैं राहुल, तो कैपिटल में डालो राहुल कुमार, ठीक है। उसके बाद क्या डालना है, क्लास, क्लास यहाँ पे भरिए। क्लास में कोई भी क्लास जो आपका सेमेस्टर चल रहा है, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर जो भी होगा। उसके बाद लिखा हुआ है रोल नंबर, फिर यहाँ पे भर दीजिए, कैपिटल में रोल नंबर लिखना है, और यहाँ मान लीजिए 35 रोल नंबर। उसके बाद स्टार्टिंग डेट यहाँ पे लिखना है, स्टार्टिंग डेट, क्लियर। फिर से उसके बाद कंप्लीशन डेट, कंप्लीशन डेट सब कैपिटल में लिखना है, और यहाँ पे डेट डाल दोगे जिस दिन का एग्ज़ाम हो रहा होगा उस दिन का, या फिर अगर सीट बना रहे हो तो सीट का डेट और स्टार्टिंग डेट। फिर उसके बाद लिखना है चेक्ड बाय, चेक्ड बाय, ठीक है। चेक्ड बाय में यहाँ छोड़ देना है जगह, जो भी करेंगे वो चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखना है टाइटल, अगर एग्ज़ाम हो रहा होगा, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो यहाँ पे टाइटल डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर डालना भी चाहते हो तो आप डाल सकते हो ऑल प्रोजेक्शन, ऑल कह देना, यहाँ पे लिख देना ऑल। अगर क्या लिखना है, अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो ऑल करके बोल देना यहाँ पे एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन, क्लियर। अब देखिए उसके बाद स्केल, 10-10 पे रखना है आपको स्केल। तो स्केल भी आपको पता है कि थर्ड एंगल है कि फर्स्ट एंगल है, ये कैसे पता चलेगा एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे भी स्केल को पहले स्केल देख लेना, कि क्योंकि देखो जो भी डायग्राम बनेगा, एक साथ तीन चार डायग्राम बनाओगे तो सबकी स्केलिंग अलग अलग हो रही होगी, ठीक ना। तो उस केस में यहाँ पे स्केलिंग नहीं लिखना है अगर एग्ज़ाम हो रहा है। अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, केवल दो तीन ही बता रहे हो, तो यहाँ पे पहले लिखना है स्केल, अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो स्केल। स्केल में जिस स्केल पे बात करो, स्केल आपका तीन टाइप का था, इनलार्ज स्केल, रिड्यूस स्केल और फुल स्केल। तो यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन डाल दोगे, जैसे 1:50, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस स्केल, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्शन, तो देखो प्रोजेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे सिंबल बताए थे एक फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल, ठीक है ना। जिस एंगल में भी आप बनाओगे उसका यहाँ पे सिंबल, ठीक है ना। तो सिंबल कैसे हम लोग बनाते हैं, एक ऐसे सीधा लाइन ले लोगे, इस तरीके से सीधा लाइन ले लिए, ठीक है। फिर वही आपको सिंबल कैसे हम लोग बना देते हैं, इस तरीके से कोन, ठीक है, कोन बना दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्कल बना दो,
ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंबल फर्स्ट एंगल ये का, ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल, और यहाँ पे सीट नंबर की, अगर सीट नंबर मान लीजिए एग्जाम हो रहा है तो कोई सीट नंबर तो होगा ही नहीं, या फिर अगर एक से ज़्यादा सीट कर रहे हो तो यहाँ पे लिख देना वन। एक ही सीट में अगर एग्जाम हो जा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दो तीन अगर सीट यूज कर रहे हो तो वन, सीट नंबर वन, नेक्स्ट पे आएगा तो टू, इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहले ही काम क्या करना है, आपको मार्जिन दे लेना है, उसके बाद बनाना है टाइटल ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन होगा अभी मैं बताता हूँ। पहले सबसे सिंपल लाइन डिवाइड करने के लिए, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, ठीक, एक लाइन है दिख रहा होगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसको देखो कितना इजी मेथड से ड्रॉ हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का है, इसे हमें करना है 7 इक्वल पार्ट में, कितना पार्ट में, 7 इक्वल पार्ट। तो इसको फ्री रख दो अभी, जैसे इसको खोलोगे तो ये देखो फ्री हो जाएगा। आपको पता है लाइन डिवाइड करने के लिए क्या होता है, किसी भी एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिए 90 से कम किसी भी एंगल पे। कंपास है तो कंपास के थ्रू यहाँ पे जितना भी इसको डिवाइड करना, मान लीजिए 7 कट करना है तो इस पॉइंट पे आओगे, कंपास के हेल्प से 7 कट कर दो, तो यहाँ रखे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। रोलर स्केल है तो आराम से इसको रोल करते हुए हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको मिनी ड्राफ्टर से हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो क्या करना है, पहले इंड से इंड को मिलाते हैं, आपको पता है, ठीक है, और यहाँ रख के इसको देखो क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, ठीक, ये फिक्स हो गया। अब देखो ये कहीं भी मूवमेंट होगा तो ऐसी मूवमेंट होगा, ठीक है। तो चलो देखो पहले इसको मिला दिए फर्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ो, देखो आप कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर ये गलत भी हो ही नहीं सकता, जहाँ भी जाएगा एकदम देखो पैरेलल लाइन लेते जाएगा, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, या फिर रोलर स्केल है तो रोलर स्केल से कैसे करते थे, यहाँ पे रखो, ठीक, रोल करते हुए नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो रोल करके भी या फिर इसके हेल्प से भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई स्केल ही बनाना था, स्केल में और क्या करना होता है, यहाँ पे 90 डिग्री पर 2 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं हम लोग ऊपर की ओर, तो यहाँ इसको मिलाते हुए 2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाओ, यहाँ पे भी एकदम सीधा 2 सेंटीमीटर ऊपर गए, फटाफट देखो एकदम मिलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको इसको मिलाकर यहाँ पे कर दो फिक्स। अब देखो ये जहाँ पे जाएगा एकदम सीधा लाइन देते हुए जाएगा, इसी तरीके से आप लोग स्केल बनाते थे, ठीक, देखिए हो गया काम, क्लियर। इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, मान लो इसको अब हमें इस तरीके से 10 पार्ट में डिवाइड करना है पहले वाले को, तो सेम उसी तरीके से इस कॉर्नर पर रखिए, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका, ऐसे रख दिए, एक लाइन ले लिए, क्लियर। अब इस लाइन को कितना 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या करोगे, इसी को रखे हुए एकदम यहाँ पे फिक्स करते हुए हमें 10 करना है, तो अगर 5-5 mm का ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 पार्ट 5 50, तो 5 2 50, तो ये देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये हो गया 50, 10 पॉइंट मिल गया आराम से। सेम वही तरीका, इंड से इंड को इस तरीके से लगा के देखो इसको फिक्स करके और इसको क्या कर दो, टाइट कर दो, कस दो एकदम, हाथ एक यहाँ होना चाहिए बस, अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे मिलाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ोगे, अब हिलेगा भी नहीं, ये फिक्स हो चुका है, नेक्स्ट इस तरीके से आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनी ड्राफ्टर का अगर यूज को जान गए तो बहुत ही आसान है ये ड्राइंग, ठीक है। 10 पॉइंट मिल गया, आप क्या कर देना है, इसको यहाँ पे रखो, सीधा रखिए, ठीक, फिक्स कर दिए हम, इसको सीधा रख के बस नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, इस तरीके से,
ठीक है, समझ गए। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर। चलिए ये हुआ आपका। अब देखो मान लीजिए किसी एंगल पे चाहिए लाइन, तो आपको प्रोटेक्टर की भी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मान लीजिए ये लाइन है, एक लाइन है यहाँ पे इस तरीके से, सीधा लाइन खींच देता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ, ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर हमें 30 डिग्री पे एक लाइन चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ पे रखिए। अब देखो यहाँ पे इस पे देखो आपको दिया हुआ है एंगल, ठीक है, तो 30 पे चाहिए, तो देखिए ये गया यहाँ पे, एक देखो मार्क किया हुआ है, मार्क से आप 30 डिग्री पे मिला लोगे इस तरीके से, ठीक, 30 डिग्री पे एकदम फिक्स कर दो, हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, बस इसको रखो, देखो 30 डिग्री इधर ना, देखिए 30 डिग्री हो गया, इस वाले से लेते हैं 30 डिग्री, तो यहाँ हो गया आपका, ये हुआ, इस पे रखिए, ठीक, फिक्स करते हुए यहाँ रखो और एक लाइन खींच दो, ये देखो हो गया, ये हो गया 30 डिग्री पे, ठीक है। जितने भी एंगल पे चाहिए आप यहाँ से भी एंगल लेकर मूव करा सकते हो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑर्थोग्राफिक में, ऑर्थोग्राफिक में आपको क्या होता है, एक एक्स वाई लाइन, देखो पहले आप 0 0 सेट कर लो, 0 पे सेट कर लेना है, ठीक है, 0 पे सेट कर लिए। अब यहाँ पे एक एक्स वाई लाइन लेते हैं हम लोग, सिंपल एक्स वाई लाइन लेते हैं, ठीक है, फिर उससे 10 mm ऊपर 10 mm नीचे जाते हैं, तो इस पॉइंट पे रखो, एक छोटा सा पॉइंट बना लो 10 mm ऊपर 10 mm नीचे, ठीक। यहाँ से जो भी प्रोजेक्शन करना है आराम से ड्रॉ करते रहो, ठीक है, पेंसिल का यूज करते रहना, अपना जो भी पेंसिल हम जहाँ भी यूज कर रहे थे, ठीक है, इस तरीके से कुछ नहीं करना है, जो भी डायग्राम जहाँ पे भी है आराम से देखो, एकदम ऑर्थोग्राफिक के लिए तो मतलब कह ही नहीं सकते, इसको कुछ करना ही नहीं होता है, 0 पे सेट कर दो, ये आराम से मूव करते जाएगा। प्रोजेक्शन लाइन क्या था, यहाँ पे रखो, सिंपल जहाँ भी जा रहा है सीधा ऐसे खींचते जाओ 0 पे सेट करके, दिख रहा है, एकदम ईजी मेथड है। यहाँ आपको टॉप व्यू बनेगा इस तरीके से, ठीक है, कुछ भी बना दो टॉप व्यू में, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए रोटेशन देना है, तो एक और एक इस पॉइंट से 10 mm की इधर आओ, एक और एक्स वाई लाइन बनाओ, बस सेट है मेरा कंपास, ये स्केल 0 पे, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ से 45 डिग्री लेना है, तो यहाँ से 45 नीचे की ओर ले लो, इससे यहाँ गए, ये देखिए 45 पे, या फिर अपना इसको भी यूज कर लो, ये सब किस दिन काम आएंगे, ये देखिए 45 चाहिए, क्लियर, तो देखिए ये 45 वाला है आपके पास, क्लियर, देखिए ये है ये 45, यहाँ से इसको मिलाइए कॉर्नर पे रखिए, यहाँ से मिला लो फटाक, पॉइंट रखते हुए, ठीक है, ये हो जाएगा बीचों बीच, यहाँ से इसको मिला दो, ठीक है। अब देखो प्रोजेक्शन अगर देना है तो क्या करना होगा, प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, सिंपल जितना भी इधर आया है फिर से वही 0 पे सेट कर लो, यहाँ पे रखते हुए सेट हो गया। अब इसको इधर की ओर आराम से ऐसे मूव कराओ, जहाँ पे अभी कट कर रहा है एकदम सीधे इस तरीके से मुड़ते जाओ, देखो 5 मिनट के अंदर आप कोई भी डायग्राम बना लोगे, समझ गए, इस तरीके से। देखिए कुछ नहीं करना है, बस इसको मूव कराते रहना, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्थोग्राफिक भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाने सब कुछ, क्या क्या आपको एग्ज़ाम में लेके जाना है और कैसे स्टार्ट करना है। पहले आप लोग ड्राइंग बोर्ड होगा, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट, मार्जिन लाइन देना है, टाइटल ब्लॉक बनाना है, फिर उसके बाद अपना स्टार्ट कर देना है, क्लियर। कोई भी टाइप का डायग्राम आए इसका यूज करना सीखना बहुत ही ईजी है, कहीं भी कोई भी लाइन ड्रॉ करना है, कितने भी करना है, आराम से ये मूव होते रहेगा। एंगल सेट कीजिए यहाँ से और ये इसको फिक्स करो, उसी एंगल पे ये पूरे सीट के ऊपर मूव करने लगेगा, क्लियर। जैसे देखिए मान लीजिए जितने पे भी करना है ये एंगल पे सेट कर दिया हमने, मान लीजिए
30 पे इस तरीके से सेट कर दिया, यहाँ से ये 30। अब देखो ये पूरे बोर्ड पे ये इतना ही पे मूव करते रहेगा, पूरा सीट पे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करना अभी सीखे। ठीक है, तो ड्राइंग के लिए इतना देखो, ये सब आपके स्टैंडर्ड हैं, इतने सारे चीज़ तो आपको एग्ज़ाम में लेके जाना है। और पेंसिल रहा, तो पेंसिल आपको तीन टाइप का पेंसिल लेके जाना है, एक मॉडरेट, एक हार्ड और एक सॉफ्ट टाइप का पेंसिल। क्लियर है? तो आप लोग सीख लिए लगभग यूज करना, कैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, रोलर का यूज सीख लिए, ये सब सर्कल के लिए, मास्टर सर्कल। हाँ, अब मैं बता रहा था क्या कि कैसे इसका सेंटर लोकेट करेंगे। ठीक है, तो देखो सेंटर लोकेट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक, इसको एकदम 90 डिग्री पर एक और लाइन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बनाना है, तो देखिए अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी ये रखो, जैसे देखिए हमें ये वाला सर्कल बनाना है, ये बड़ा वाला बनाना है, तो देखो यहाँ पे दो कट मार्क मिला हुआ है, तो इन दोनों कट मार्क को इस लाइन पे रखो, इन दोनों कट मार्क को इस लाइन पे रखो, और यहाँ पे इसको भी यहाँ पे मिलाओ, इस साइड वाला भी। ठीक है, हो गया, दोनों को मिलाते हुए और इस तरीके से चला गया, सर्कल बन गया। ठीक है, तो इसका भी यूज करना है, जैसा भी सर्कल हो बस आपको घुमा देना है। ठीक है, देखो इसमें प्रोटेक्टर भी दिया हुआ है, ये रोलर स्केल। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।